हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आप हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का 10th सम है। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। हमारे पास एक फंक्शन एफ दिया है और वो क्या है, तो इनवर्टिबल फंक्शन है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन एफ इज अ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। वी हैव टू प्रूव दैट एफ हैज अ यूनिक इनवर्स। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एफ को जो एफ है ना फंक्शन, उसका जो भी इनवर्स होगा वो क्या आएगा, 1 एंड ओनली 1 होगा। ओके, 1 एंड ओनली 1 ही होगा। सपोज के एफ का फंक्शन हम जी सपोज करेंगे तो जी ही होगा, और सपोज के एफ के फंक्शन जी एच सपोज हम सपोज करते हैं तो वो जी और एच कैसे होंगे, तो इक्वल ही होंगे, बराबर। क्योंकि जो एफ का जो इनवर्स जी होगा वही इनवर्स एच भी होगा, क्योंकि जी और एच सपोज हम दो इनवर्स हम सपोज कर लेते कि एफ एच टू इनवर्स कॉल्ड जी एंड एच, देन एच जी एंड एच इज बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि एफ का जो इनवर्स है वो क्या है, यूनिक है, मतलब एक ही है, बराबर। तो हम कैसे प्रूव करेंगे तो वो हम देखते हैं, और हमें हिंट भी दिया है क्वेश्चन में ही। सपोज जी वन एंड जी टू आर टू इनवर्सेस ऑफ एफ। अभी मैंने बोला आपको क्या कि दो फंक्शन सपोज हम ले लेते हैं, किसके, तो के एफ के, और हम क्या प्रूफ करेंगे, जो जी वन और जी टू हमने जो सपोज किए दो इनवर्स फंक्शन किसके, तो एफ के, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वैसा हम प्रूफ करेंगे, बराबर। समझ में आ गया? ओके, मतलब जो हमने दो इनवर्स सपोज किए एफ के, बराबर, एक जी वन और जी टू है, बराबर, उसको हम लास्ट में क्या प्रूफ करेंगे, जी वन और जी टू दोनों एक ही है, मतलब दोनों इक्वल है, जो जी वन है वही जी टू है और जो जी टू है वही जी वन है। ओके, इनवर्सेस ऑफ एफ, देन फॉर ऑल स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई इज इक्वल टू आई वाई ऑफ वाई, एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई, यूज वन वननेस ऑफ एफ। मतलब हमारी जो वन वननेस की कंडीशन है ना, वो कंडीशन का यूज करके हम प्रूफ करेंगे। मतलब ये कंडीशन हमें यहाँ पे दी है, बराबर, तो हम इसका यूज करके जी वन इज इक्वल टू जी टू हम प्रूफ कर देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन में समझ में आ गया। चलो सॉल्यूशन, हियर एफ फ्रॉम एक्स टू आई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हमने ले लिया। चलो नाउ सपोज एफ हैज टू इनवर्सेस, से जी वन एंड जी टू। हमने सपोज कर लिया कि जो एफ हमारा फंक्शन है उसके दो इनवर्सेस है और उसका नाम क्या है, जी वन और जी टू, जो कि हमने क्वेश्चन में हिंट में ऑलरेडी दे ही दिया है। देन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई वी हैव, देन फॉर ऑल स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई वी हैव, जो हमने कंडीशन क्वेश्चन में दी थी वो हमने ले ली। एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई इज इक्वल टू आई वाई, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई। चलो तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन, इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, यूनिट आंसर है ना, यूनिट फंक्शन है, आइडेंटिटी मीन्स यूनिट। चलो अभी एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई है, तो हम अब क्या करेंगे, हमारे जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो एफ इज अ इनवर्टिबल फंक्शन। अभी हमें पता है कि एफ इज अ इनवर्टिबल फंक्शन, दैट मीन्स एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ओके, सो यहाँ पे वन वन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको आप एक्स वन समझे, बराबर, इसको आप एक्स वन समझे और इसको आप एक्स टू समझेगा, तो आपको एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू देखेगा, और एफ इनवर्टिबल फंक्शन है, दैट मीन्स एफ इज अ वन वन फंक्शन, सो दैट इम्प्लाइज वी मे राइट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या है, तो जी वन ऑफ वाई है, देखो ये आपका एक्स वन है और ये आपका एक्स टू है, सो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दैट इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय द डेफिनेशन ऑफ वन वननेस, वन वननेस की कंडीशन पर। और कैसे वन वन की हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, क्योंकि बिकॉज ऑफ एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन, यहाँ पे लिखा है एफ इज इनवर्टिबल, दैट इज एफ इज वन वन। चलो ओके, अभी हमने जो अप्लाई किया था दोनों तरफ क्या, तो वाई अप्लाई किया था, तो वो दोनों वाई हम निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या है, तो जी वन इज इक्वल टू जी टू, दैट मीन्स जो हमारा जीवन है वही हमारा जी टू है, और जो जी टू है वही हमारा जीवन है, मतलब दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा? सपोज इसका आंसर एफ का इनवर्स फंक्शन सपोज एक्स माइनस टू है, ओके, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो y प्लस टू हमें मिलेगा, बराबर। तो सपोज g1 का आंसर y प्लस टू है, तो g2 का आंसर भी क्या होगा, y प्लस टू ही होगा। समझ में आ गया?
तो हमने ये कंडीशन हमने ले ली और ये हमने जो प्रूफ करनी तो वो हमने कर दी, g1 इज इक्वल टू dg2 हमने प्रूफ कर दिया। मतलब जो स्टार्टिंग में हमने दो फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमने सपोज किए थे f के, वो दोनों फंक्शन क्या है, दोनों एक ही है, बराबर, दोनों इक्वली है। Hence, f has a inverse function. f has a unique inverse. Okay, समझ में आएगा students? Okay, शांति से देखिए। Exercise 1.3, 12th sum. Let f from x to y be an invertible function. Show that the inverse of f inverse is f. That means f inverse, whole inverse is equal to f. आपको पता है इसका आंसर है क्या, क्योंकि माइनस इनटू माइनस दैट मींस प्लस। थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पावर का पावर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब माइनस वन इनटू माइनस वन दैट मींस वी गेट वन, सो वी गेट एफ, बराबर। वो तो ऐसे ही थोड़ा सिंपल मैथ्स में आपको समझा रहा हूँ। मीन्स यही कि जो भी हमारा एफ इनवर्स है, बराबर, तो उसका हम इनवर्स करेंगे तो इटसेल्फ है पाएगा, बराबर। सपोज के हमारे पास एक एफ है फंक्शन, तो उसका इनवर्स क्या है, तो एफ इनवर्स होगा, और उसका इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो वो सिंपल वो इटसेल्फ एफ ही होगा, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। चलो, तो हियर एफ फ्रॉम एक्स वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ इज इक्वल टू आई वाई। ये तो आपको पता ही होगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल फंक्शन, जो इनवर्टिबल है फंक्शन उसकी डेफिनेशन क्या है, कि अ फंक्शन जी a function f is an invertible function, then there exists a function g such that f of g is equal to iy and g of is equal to ix. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि f का डोमेन और g का कोडोमेन, मतलब x to x, that means identity function on x, and यहाँ पे डोमेन y and अब कोडोमेन y, that means the identity function on y. तो ये तो हमारी invertible की definition है, बराबर ना, कि f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल फंक्शन बराबर, तो उसका इनवर्स ही होगा, तो उसका इनवर्स क्या है, तो उसको मैंने g सपोज कर लिया, तो g है, तो f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, दैट मीन्स दोनों का हम कंपोजिशन लेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, तो यही हमें यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, चलो, हियर f इनवर्स इज इक्वल टू g, बराबर ना, ये g क्या है, इन शॉर्ट हमारा f इनवर्स ही है ना, क्योंकि f from x to y होगा तो f inverse from y to x होगा, बराबर। तो आप देख सकते हैं यार f inverse is equal to g, क्योंकि हमारा जो g है वो क्या है, इट्स f inverse ही है, बराबर ना, क्योंकि हमने g को f का inverse function suppose किया है, बराबर। चलो, तो अब यहाँ पे जो है, now g of is equal to ix and f of g is equal to iy, वो तो हमारे पास condition है ही, तो जहाँ पे भी हमारा g दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे g दिख रहा है, बराबर, एक ये जी और ये जी, उसके रिप्लेस में हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स रख देंगे, एफ इनवर्स रख देंगे। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे मैं एफ इनवर्स रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई मुझे मिलेगा। समझ में आ गया क्या किया मैंने, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, वो तो ऑब्वियस आपको पता ही है, क्योंकि जी किसके बराबर होगा, तो एफ इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एफ इनवर्स ही है, पर उसका हमने अलग नाम जी ले लिया है, बस इतना सब फर्क है। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड जी के रिप्लेस में मैंने एफ इनवर्स ले लिया, अभी ये क्या डिनोट करता है, तो हेंस एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज अ इनवर्टिबल, यहाँ पे मैंने लिखा ही है, बराबर। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला कि एफ एंड जी दोनों एक दूसरे के क्या है, तो इनवर्स फंक्शन है, मतलब जी भी इनवर्टिबल ही होगा, g invertible, that means f inverse is also invertible function. Okay, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, f और g एक दूसरे के क्या है, तो inverse function, बराबर। अभी इसका मतलब क्या होगा, तो f inverse and f दोनों एक दूसरे के invertible function हो गए। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है कि f inverse का inverse function f होगा और f का inverse ये होगा। समझ में आ रहा है, एक दूसरे के invertible function है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, मतलब इसका आप इनवर्स लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा और इसका आप इनवर्स लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। सिमिलरली ये आपको क्या डिनोट करता है, यहाँ पे फोकस कीजिए आप, ये दोनों का मतलब क्या है कि आप f का इनवर्स करेंगे तो आपको g मिलेगा और g का इनवर्स करेंगे तो आपको f मिलेगा, ये डिनोट कर रहा है बाबा ना। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है,
तो आप FOG या GOF करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, बराबर समझ, इतना समझ में आ गया। चलो ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तो F इनवर्स और F, ओके, और F और F इनवर्स, बराबर दो फंक्शन में F और F इनवर्स दोनों का आप F का इनवर्स करेंगे तो F इनवर्स मिलेगा, मिल गया। और अगर आप F इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, इटसेल्फ F मिलेगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, तो F इनवर्स एंड F बोथ आर इन्वर्टिबल फंक्शन, और आई से F इनवर्स एंड F बोथ आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, मतलब आप F इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको F मिलेगा, और F का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको F इनवर्स मींस F रेज़ टू माइनस 1 मिलेगा, एंड F इज अ इनवर्स ऑफ F इनवर्स, मतलब जो F है वो क्या है, तो F इनवर्स का जो इनवर्स ऑफ F इनवर्स, मतलब जो हमारा फंक्शन F है वो क्या है, तो F इनवर्स है ना उसका इनवर्स है। और हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, वही प्रूफ करना है, द इनवर्स ऑफ F इनवर्स इज F, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके ध्यान से देख लेना, ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके ये दोनों का मतलब क्या है, F और F and G both are inverse of each other, ओके अभी आप ये दोनों का मीनिंग निकाले, बराबर आप दोनों ये दोनों का मीनिंग निकालेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, बराबर यही आपको मिलेगा कि F इनवर्स एंड F, F इनवर्स एंड F both are inverse function of each other, इसका मीनिंग ये होगा, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके एक्सरसाइज 1.3 11th सम, कंसीडर एफ फ्रॉम 1 टू 3 टू एबीसी गिवन बाय एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी, फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये तो हमने अभी प्रूफ किया था, बराबर तो वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, और जो फंक्शन हमें दिया उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो लेट सी हियर, एफ फ्रॉम 1 टू 3 टू एबीसी गिवन बाय एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी एंड एफ ऑफ 3 सी, गिव रिजल्ट नंबर 1। चलो अभी यहाँ पे जो हमें ये जो फंक्शन हमें दिया है फंक्शन एफ, ओके ये जो हमें दिया ना एफ ऑफ 1 का आंसर ए, एफ ऑफ 2 का आंसर बी और एफ ऑफ 3 का आंसर सी है, बराबर तो इसका यूज करके हम एक एरे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके सो ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी और उस करता फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके ए से बी का जो फंक्शन है वो एफ है, कैपिटल ए में कितने मेंबर्स है, मतलब ये 1 2 3, कैपिटल बी में ए बी सी है, ओके और इसको मैंने क्या किया है फिगर, चलो अब हम क्या बोल रहे, हमें इनवर्स फाइंड करना है ना एफ का इनवर्स, दैट मीन्स हमें ये चेक करना होगा कि एफ 1 1 है और 1 2 है या नहीं, ओके चलो सबसे पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एफ इज 1 1 बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेजेस इन को डोमेन, तो आप देख सकते हैं जो हमारा 1 है बराबर वो किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, जो 2 है वो बी से रिलेटेड है, और 3 है वो सी से रिलेटेड है, बराबर क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसका हम पेयर वाइज देखेंगे तो 1, A, 2, B एंड 3, C ऐसे पेयर हमें मिलेंगे, एफ इज इक्वल्स टू ना कर्ली ब्रैकेट 1, A, 2, B एंड 3, C हमें मिलेंगे, ओके सो आप देख सकते हैं 1 के साथ ए ही कनेक्टेड है और दूसरा कोई कनेक्ट नहीं है, सिमिलरली आप देख सकते हैं फिगर में से बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेजेस इन को डोमेन, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज अ कनेक्टेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन, ओके चलो देयरफॉर एफ इज 1 1, तो यहाँ पे 1 1 तो हमारा हो गया। अभी हम ऑन टू की बात करते हैं, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एफ इज ऑन टू, वाई बिकॉज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बिकॉज हमारे पास फॉर ऑल वाई मतलब जितने भी हमारे पास वाई है हमारे को डोमेन के मेंबर्स, ओके उसके अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट ऐसा एक्स तो हमें मिल ही रहा है, बराबर सपोज हम ए ले लेते हैं किसका को डोमेन का एक मेंबर, ओके उसके अकॉर्डिंग हमें डोमेन में एक मेंबर ऐसा मिल रहा है, बराबर ऐसा एक्स हमें मिल रहा है कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है, बराबर क्योंकि हमें ए के जो स्मॉल है उसके अकॉर्डिंग हमें 1 मिल रहा है, बी के अकॉर्डिंग 2 और सी के अकॉर्डिंग 3 मिल रहा है, कि ऐसे मिल रहा है जिस तरह के एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए हो रहा है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी हो रहा है और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी भी हो रहा है, मतलब जनरली एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है, और आई से इन अदर वर्ड्स the code the members all the members of codomain are related to
एनी एलिमेंट ऑफ अवर डोमेन, मतलब जितने भी हमारे को डोमेन के मेंबर्स हैं ना वो सभी रिलेशन में है, रिलेटेड कर रहे हैं हमारे डोमेन के मेंबर के साथ, बराबर। कोई भी मेंबर बाकी नहीं है, समझ में आ रहा, कोई भी फ्री नहीं है, सभी के सभी काम में लगे हुए हैं, बराबर। ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, दैट इंप्लाइज एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। हमने प्रूफ कर, हमने जो एफ इनवर्स फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया, एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि एक बार हमारा इनवर्स कंफर्म हो जाएगा, बराबर, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा डोमेन को डोमेन और को डोमेन डोमेन हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो द इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स फ्रॉम ए बी सी टू वन टू थ्री, दैट मीन्स एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए होगा, गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू वन, एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टू, एंड एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री। दैट्स इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो एफ इनवर्स है ना उसका भी इनवर्स ले लेते हैं, बराबर। अभी एफ था उसका इनवर्स हमने ले लिया, तो क्या हुआ, तो डोमेन को डोमेन में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया, डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ इनवर्स है ना उसका भी इनवर्स ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वही होगा कि जो एफ इनवर्स के डोमेन को डोमेन है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, एफ इनवर्स होल इनवर्स फ्रॉम, ये एफ इनवर्स का जो एबीसी है डोमेन वो हमारा को डोमेन हो जाएगा, और जो वन टू थ्री है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। Therefore, now f inverse whole inverse from 1 to 3 to abc given by f inverse whole inverse of 1, मतलब ये फंक्शन हम हमारे डोमेन पर अप्लाई करेंगे, तो f inverse whole inverse of 1 is equal to first element मिलेगा, f inverse whole inverse of 2 is equal to b मिलेगा, f inverse whole inverse of 3 is equal to मुझे c मिलेगा, और इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ, समझ में आ गया, इसको मैं रिजल्ट नंबर 2। अभी आप रिजल्ट नंबर 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको f के जगह पे f inverse होल इनवर्स आपको दिखेंगे, बराबर, बाकी सब सेम होगा। देखो यहाँ पे डोमेन 1 2 3 है, को डोमेन एबीसी है, और जो हमारा है 1 हम पुट करें तो ए मिल रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो ए मिल रहा है, 2 पुट करेंगे तो बी मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तो सी मिलेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट एफ इनवर्स होल इनवर्स एफ, होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ, मतलब क्या हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके गुड। देखिए चलो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 में जो थ्री सम्स बाकी थे 10, 11 एंड 12, 1.3, 10, 11 एंड 12, वो तीनों के तीनों आज हमने कंप्लीट कर दिए, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया है, ओके। एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, अभी आगे दो क्वेश्चन अभी हमारे बाकी थे, उसमें एक हमारा थियरम 2 है और उस पर डिपेंडेंट एक सम है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 27 समथिंग है, वो दो हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा 1.3 तक का जितना भी पोर्शन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्टली प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, और वो दो सम और मिसेलेनियस में भी एक दो सम बाकी हो गए, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो ये टॉपिक है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए प्रॉपर टाइम टू टाइम, एंड अपना जो राइटिंग है वो कंप्लीट करते रहिए, मटेरियल बनाते रहिए, और अगर आपको जो भी वीडियोस पसंद आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, ओके, तो आप जो आपकी इच्छा हो, ओके, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ओके स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा हो तो, ओके, थैंक यू।